नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। यूपी टेट का प्रमाण पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, ये पहली खबर है। दूसरी खबर है, नया आयोग कराएगा एलटी ग्रेड के खाली पदों पर भर्ती। जैसा कि 3,000 से ज़्यादा जो पद खाली पड़े हुए हैं, इसके बाद अभी हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट नहीं घोषित हुआ है, तो इसके बाद जो 13 विषयों के 7,481 पदों में से 4,244 फुल हुए थे, 3,237 खाली हुए थे, उसका जो है आयोग कुछ और भर्ती, मतलब कुछ पदे और जोड़ करके कराएगा नया भर्ती, नया आयोग कराएगा। और एक खबर ये भी है कि 4 लाख भर्ती जो साल भर से कर रहे हैं रेलवे की वैकेंसी, आरबी का इलाहाबाद जो एनटीपीसी के लिए और ग्रुप डी के लिए इंतजार, अभी भी आवेदन की कोई भी तारीख नहीं है। मार्च 2019 में आवेदन के बाद अब तक परीक्षा की तारीख घोषित नहीं हुई है। कुल पद आरबी का इलाहाबाद में था 4,032, देश भर में कुल पद थे 35,000 से अधिक, और डीएलडब्ल्यू में थे 62 पद कम कर दिए गए थे, डीएलडब्ल्यू के 62 पद इलाहाबाद में कम कर दिए गए थे। तो ये खबर आइए विस्तार से देखते हैं। प्रमाण पत्र वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा यूपीटीटी बीटीसी व शिक्षा मित्र के दूरस्थ बीटीसी के प्रमाण पत्र अब अभ्यर्थी ऑनलाइन देख सकेंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने उसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। जैसा कि पहले क्या होता था कि टेट पास करने के बाद हम जिस जिले में देते थे उस जिले के डायट से जाकर हमें प्राप्त करना पड़ता था बीटीसी, लेकिन अब ऑनलाइन भी देख सकते हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने उसे वेबसाइट पर अपलोड करा दिया है। इस संबंध में सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी पत्र भेज करके अवगत करा दिया गया है। असल में 8 फरवरी 2019 को निर्देश दिया गया था कि यूपीटीटी बीटीसी प्रशिक्षण और दूरस्थ विधि से अप्रशिक्षित शिक्षा मित्रों को 2 वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का ऑनलाइन सत्यापन होना है। इसके बाद से प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया लंबी चली। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि यूपीटीटी 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का विवरण वेबसाइट पर अपलोड करा दिया गया है। ऐसे ही बीटीसी प्रशिक्षण बैच 2011, 12, 13, 14, 15 तथा शिक्षा मित्रों के 2 वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण के सभी चरणों का विवरण भी वेबसाइट पर अपलोड है। अब उनका ऑनलाइन सत्यापन किया जा सकता है। यदि अभिलेख व वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण में किसी तरह की भिन्नता हो तो कार्यालय से विवरण प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि ये सारी यूपीटीटी की जो मार्कशीटें हैं वो ऑनलाइन अपलोड कर दी गई है। तो ये था समाचार। और सामाजिक विज्ञान का और हिंदी का जहां पर एलटी ग्रेड का रिजल्ट जारी करने की घोषणा कर दी गई है आयोग अध्यक्ष के द्वारा, अब वहीं पर जो 13 विषय में 3,237 पद और प्लस जो और नए पदे जो भी होंगे जोड़ करके, प्लस जो हिंदी और सामाजिक विज्ञान में बचेंगे उनको जोड़ करके अब नया आयोग बनेगा और नए एलटी ग्रेड की भर्ती करेगा। तो अभ्यर्थियों के दबाव पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के 13 विषय का रिजल्ट घोषित कर दिया। आयोग अध्यक्ष ने पिछले दिनों अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया था कि बचे हिंदी व सामाजिक विज्ञान विषय का रिजल्ट भी जल्द घोषित किया जा सकता है। पेपर लीक प्रकरण में फंसी इस परीक्षा का रिजल्ट चौंकाने वाला रहा। आयोग ने 13 विषय के 7,481 पदों का रिजल्ट जारी किया, जिसमें 4,244 अभ्यर्थी ही सफल हुए। इसमें 3,237 पद खाली है। खाली पदों को भरने के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी करके लिखित परीक्षा करानी होगी। माना जा रहा है कि इसके खाली पदों की भर्ती बेसिक माध्यमिक व उच्च शिक्षा को मिलाकर बन रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन बोर्ड आयोग द्वारा कराई जाएगी, क्योंकि वह मार्च माह में अस्तित्व में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पहली बार एलटी ग्रेड की भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसका अनुभव काफी खराब रहा। आयोग ने 29 जुलाई 2018 को 15 विषय की लिखित परीक्षा करी। परीक्षा के दिन वाराणसी में हिंदी व सामाजिक विषय के पेपर लीक हो गए थे। वाराणसी एसटीएफ ने मामले की जांच शुरू की। आयोग का तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अंजू कटियार, प्रिंटिंग प्रेस के डायरेक्टर सहित कुछ अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ की कार्रवाई अभी भी चल रही है। इधर खाली पदों को भरने की मांग भी उठने लगी है। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास पहले से काफी परीक्षाएं और उनके परिणाम लंबित है, जिसे निस्तारित करना उनकी प्राथमिकता है। इतने पद है खाली तो एल डी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में खाली पदों की संख्या काफी अधिक है। इसमें अंग्रेजी में 1, गणित में 600, विज्ञान में 961, कला में 2, कंप्यूटर में 1637, उर्दू में 8, शारीरिक शिक्षा में 28 पद खाली हैं। और सरकारी प्री कक्षाएं भी जल्द शुरू हो जाएंगी, क्योंकि प्री कक्षाओं में जो शिक्षक है उनकी कमी भी थी, इसलिए आंगनबाड़ियों में आधारभूत सुविधाएं जुटाने के लिए किया जाएगा। तो SCRT प्री प्राइमरी के शिक्षकों को नियुक्ति करने के लिए उनकी पात्रता व शैक्षिक योग्यता समेत नियुक्ति प्रक्रिया तय करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया। वह 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम विकसित करेगा। योजना पहले से ही उन आंगनबाड़ियों में चलाई जा रही जो प्राइमरी स्कूल परिसर में स्थित हैं।
जल्दी जारी होगा हिंदी और सोशल साइंस का परिणाम इंटीग्रेट का। जैसे कि आयोग अध्यक्ष ने बता दिया कि 10 दिन से जो धरने पे बैठे थे, अब उन्होंने कह दिया कि 10वें दिन या फिर जल्दी ही अब इंटीग्रेट हिंदी और सोशल के परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। ये कथन जो है आयोग अध्यक्ष ने कहा है। तो ये था आज का प्रमुख न्यूज़। अगर न्यूज़ पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।